इस वक्त भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक और झटका लगा है। बीजेपी में सुमित्रा देवी शामिल होंगी। नेपा नगर से कांग्रेस विधायक थी सुमित्रा देवी, बीजेपी ऑफिस में वो सदस्यता लेंगी। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा भी मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें भोपाल से, जहां पर बीजेपी में शामिल होगी सुमित्रा देवी और नेपा नगर से कांग्रेस की विधायक रही है सुमित्रा देवी, बीजेपी ऑफिस में उसे सदस्यता लेंगे। और तस्वीरें आप बीजेपी ऑफिस की देख रहे हैं, भोपाल बीजेपी ऑफिस की, सीएम शिवराज और वीडी शर्मा भी यहां पर मौजूद है। तो इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं आप भोपाल से, बीजेपी ऑफिस से, जहां पर सीएम शिवराज और वीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। सुमित्रा देवी आज यहां बीजेपी की सदस्यता लेंगी। नेपा नगर से विधायक थी सुमित्रा देवी, जो कि तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त सदस्यता ले रही हैं। सुमित्रा देवी ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नेपा नगर से कांग्रेस की विधायक सुमित्रा देवी ने बीजेपी में प्रवेश कर लिया है। और इस वक्त भोपाल से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद है। तो कांग्रेस को एक और झटका, नेपा नगर से कांग्रेस की विधायक सुमित्रा देवी ने बीजेपी में प्रवेश कर लिया है। और इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल बीजेपी ऑफिस से, जहां पर सीएम शिवराज के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद हैं। आज ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ा और आज उन्होंने बीजेपी में सदस्यता ले लिया है, बीजेपी में शामिल हो गई है। इस वक्त तस्वीरें आप भोपाल के बीजेपी कार्यालय से आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें, जहां पर पार्टी के तमाम आला नेता मौजूद हैं। सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद हैं। अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के यशस्वी संवेदनशील मुख्यमंत्री और जिनके नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश 15 सालों में जिस गति से एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना था और अब फिर उस दिशा में कदम बढ़ा करके मध्य प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाने का जो प्रयास लगातार अथक मेहनत से कर रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी आज हमारे बीच इस अवसर पर, हमारे कैबिनेट मंत्री भाई अरविंद जी, आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे यशपाल सिसोदिया जी और बहन, आज जो भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज हमारे भी सम्मिलित हो रही है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आज अभी सदस्यता ली है। ऐसी नेपा नगर की हमारी बहन विधायक सुमित्रा कासरेकर जी का मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर जो 15 महीने का कुशासन था और 15 महीने में जो मध्य प्रदेश की स्थिति बनी, चाहे विकास की दृष्टि से हो, कानून व्यवस्था की दृष्टि से हो, इस मध्य प्रदेश को जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जिस गर्त में लेकर के गए, उन परिस्थितियों को देख करके मध्य प्रदेश के विकास के लिए अपने क्षेत्र की कल्पना जिन जनप्रतिनिधियों ने अपने मन के अंदर की थी और कांग्रेस के साथ चुन करके आए थे, लेकिन उनको ये लगा कि व्यवहारिक दृष्टि से भी और हर प्रकार से उनकी क्षेत्र की अवहेलना, चाहे मध्य प्रदेश के विषय में रही हो, चाहे उनके अपने क्षेत्र के विषय में रही हो, जिसके बारे में हमने इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो बड़े घटनाक्रम जो देखे हैं उनके बारे में यही था कि गरीब जनता के हितों के कल्याण की योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वाली शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में शुरू की थी और मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया था, उन सारी योजनाओं को समाप्त करके, गरीबों के कल्याण की सारी योजनाओं को बंद करके केवल मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में डुबोने का काम जिन्होंने किया था, उनके खिलाफ इस संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर जनता का मोह भंग तो हुआ ही, उन जनप्रतिनिधियों का भी मोह भंग हुआ जिनके मन के अंदर मध्य प्रदेश के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए कोई कल्पनाएं थी। और उसी का परिणाम यह था कि सिंधिया की सड़कों पर उतरे, उसके कारण से एक बड़ा समूह उनके साथ कांग्रेस को छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ और उसके बाद भी लगातार यह श्रृंखला जारी है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के मन में, जो मेरी बहन
आज यहां पर हमारे बी सुमित्रा जी सदस्यता ग्रहण कर रही है, उनके मन की भी यही पीड़ा है कि मेरे क्षेत्र के विकास के लिए मैं कुछ करना चाहती हूं। मैं मुख्यमंत्री से बात करना चाहती थी लेकिन मिलने को कोई तैयार नहीं था। लेकिन एक ऐसा मुख्यमंत्री, एक ऐसा संवेदनशील व्यक्ति, तो जिनको अगर कोई विधायक, सांसद, सामान्य व्यक्ति कोई मिलने के लिए आता है। अभी तो कोरोना का संकट है, मैं अभी हम लोग आटपलिया में गए थे, यानी 10,000 लोग खड़े हैं और माननीय मुख्यमंत्री अब क्या करें, ऐसे में नॉर्म्स भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन जनता की भावना है, लेकिन उनके साथ फिर भी उनके कैसे मिला जा सकता है, ये मन का जो भाव रहता है। तो उस व्यवहारिक दृष्टि से भी आज संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों को और विकास की गति जो 100 दिन के अंदर पूरी की है, 100 दिन के अंदर जिसकी यात्रा का शुभारंभ जिस गति से किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मोदी जी ने नेतृत्व में केंद्र के अंदर, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने जो काम प्रारंभ किए हैं, उसके कारण से आज बहन सुमित्रा जी उन सारे कार्यों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। मैं उनको बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी के परिवार में उनका स्वागत करता हूं और मैं आज इस अवसर पर बहन आपको एक विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कभी आपको ये नहीं लगेगा कि आप कहीं और आए, परिवार के अभिन्न अंग बनकर हम मिलकर के सब लोग काम करेंगे और आपका भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में स्वागत है और हम सब लोग मिलकर के मध्य प्रदेश की विकास यात्रा को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इसको और गति देने का प्रयास सब लोग मिलजुल करके करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका पुनः एक बार अभिनंदन और स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे भी दो शब्द हम सबके बीच कहें। भारतीय जनता पार्टी के गतिशील कर्मठ और यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे सहकारिता मंत्री और यशस्वी नेता भी अरविंद भदौरिया जी, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री युवा नेता भाई मोहन यादव जी, और जिनको मैं बहुत स्नेह और आदर दोनों करता हूँ, ऐसे हमारे कर्मठ नेता, संस्कृति ज्ञान के बहुत अच्छे जानकार आदरणीय यशपाल सिंह सिसोदिया जी, भाई लोकेंद्र जी, राजेंद्र जी, और आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होने वाली हमारी बहन सुमित्रा जी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होना और वो भी सदस्यता छोड़ के विधानसभा की, ये अपने आप में एक बड़ी तपस्या है, बड़ी साधना है। ऐसा फैसला करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और आज हमारी बहन सुमित्रा भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुई है। मैं इस भाजपा परिवार में उनका हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस में लोगों का दम घुट रहा है, डूबता हुआ सा जहाज, अब बरसों से एक ही परिवार का कब्जा। दिल्ली में अगर आप देखें तो कभी श्रीमती सोनिया गांधी जी अध्यक्ष, कभी राहुल गांधी जी अध्यक्ष, फिर राहुल गांधी जी से फिर श्रीमती सोनिया गांधी जी अध्यक्ष, अहमद की टोपी मोहम्मद के सिर, मोहम्मद की टोपी अहमद के सिर, और कोई है ही नहीं। दम सब उठ रहा है, लोग चाहते हैं कि अपने नेताओं से बात करें, कोई सुनने को तैयार नहीं, ताजी हवा का झोंका नहीं। और यहां मध्य प्रदेश में भी देखो तो वही कैंपनर, पहले वही अध्यक्ष, फिर वही मुख्यमंत्री, नेता प्रत्यक्ष और फिर नेता प्रतिपक्ष। अरे भाजपा से सबक ले लेते हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहे तो गोपाल भार्गव अध्यक्ष, वो नेता प्रतिपक्ष बन गए थे। नहीं, वहां तो एक ही का कब्जा है और पीछे एक और
हम ही मिलकर चलाएंगे, तीसरा कोई आएगा नहीं, विकास की सुनेंगे नहीं, जल कल्याण की सुनेंगे नहीं। ऐसी परिस्थिति में जिसका अपना कोई स्वार्थ ना हो और क्षेत्र के विकास के लिए काम करना हो, जनता की भलाई के लिए काम करना हो, वो भला कहां जाए? क्या करें ऐसी कांग्रेस में जहां कोई सुनने वाला नहीं है, जहां विकास और जन कल्याण को सरकार रहते हुए भी प्राथमिकता कभी दी नहीं गई, मुख्यमंत्री मिलते नहीं थे उस जमाने के, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश का मान सम्मान और शान पूरी दुनिया में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, एक अद्भुत नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो फैसले हुए वो अद्भुत हुए, गृहमंत्री हमारे शाहजी नड्डा जी, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का हमारा ये परिवार, पार्टी नहीं परिवार है, इस परिवार में आज हमारी बहन आई है। मैं एक बार फिर उनका स्वागत करता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में रहकर वो बेहतर सेवा करेंगी जनता की, और प्रदेश के लिए अपने क्षेत्र के लिए बेहतर काम कर पाएंगे, उनका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आदरणीय मुख्यमंत्री जी। और बहन सुमित्रा जी से निश्चित तौर पर हमारे पत्रकार मित्र मुलाकात होना चाहेंगे, तो बहन जी यहीं से अपनी बात कहेंगी। जैसी कंफर्टेबल लगे, खड़े होके खड़े बैठे हो, काफी दिक्कत होगी सर, ऐसे ही आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री हमारा भाई भदौरिया जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय शर्मा जी के नेतृत्व में और भाई हमारे विधायक जी के नेतृत्व में मैं आज बीजेपी भाजपा ज्वाइन कर रही हूँ। और मेरे मीडिया बंधु से, पत्रकार बंधु से ये बोलना चाहती हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी 15 महीने 16 महीने क्योंकि मैं पहली बार विधायक बनी थी और एक आदिवासी विधायक के होने के कारण कांग्रेस की जो पूर्व की सरकार ने इग्नोर किया मुझे, मेरे क्षेत्र में 15 महीने से एक भी विकास नहीं हुए, मुझे जनता ने, मेरे आदिवासी भाइयों ने, बहनों ने, क्योंकि मेरे पूरे नेपानगर विधानसभा पूरे आदिवासी क्षेत्र है, उन्होंने इसलिए मुझे वोट देके जितवाए थे कि ये आदिवासी विधायक है हमारे विकास करेंगे, क्षेत्र की विकास करेंगे, जनता की विकास करेंगे। लेकिन 15 महीने से जो पूर्व की सरकार में जा जा के परेशान हो गई मंत्रियों के पास में, ट्रांसफर मेरे एक नहीं हुए, विकास मेरे विकास के नाम पे बिल्कुल ठप है, इसलिए मैं
माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ग्रहण कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भोपाल बीजेपी कार्यालय में सुमित्रा देवी ने बीजेपी में प्रवेश किया। सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी यहां पर मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंडरिया विधायक होम क्वारंटाइन हो गई है। विधायक ममता चंद्राकर होम क्वारंटाइन हो गए। विधायक के पीएसओ भी क्वारंटाइन हो गए। कल मरवाही में पुलिस अधिकारी के संपर्क में आए थे विधायक और उसके बाद अब वो होम क्वारंटाइन हो चुकी हैं। तो ममता चंद्राकर जो विधायक हैं वो होम क्वारंटाइन हो गई हैं। विधायक के पीएसओ भी क्वारंटाइन हो गए। कल मरवाही में पुलिस अधिकारी के संपर्क में विधायक आई थी और अब होम क्वारंटाइन हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक ममता चंद्राकर होम क्वारंटाइन हो गई हैं। तो अमर बानी अमर गोठ मत के मूलत विदा जय जोहार।